आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आज की बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सभी छात्र अंत तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को एग्जाम से पहले आप लोग जरूर देख लीजिए। इसको अच्छे से आप लोग रिविजन जरूर कर लेना है, क्योंकि इसी में से आपका क्वेश्चन जो है आने वाला है, ठीक है। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल दिया गया है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 356 में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि राष्ट्रपति का वेतन प्रत्येक महीना कितना होता है, यानी कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है ना, उसको प्रत्येक महीने जो है कितना पे देना पड़ता है, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो बच्चों, इसका आंसर होगा 1.5 लाख रुपया, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है एक इसका, सॉरी सी जो है इसका सही आंसर होगा दो नंबर का। अगला सवाल दोस्तों, तीसरा नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना सभापति का कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो भारत के मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं महापौर, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि अस्प्रियता का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 17 में जो है इसका वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, राष्ट्रपति, ठीक है। इसको आप लोग जो है एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिएगा और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो है के लेखक है, तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के जो लेखक है वो है अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बंधनों का अभाव, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों, 10वां नंबर देखिए दिया गया है कि किसने कहा है कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा भरे समाज का निर्माण करें? तो इसका आंसर आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है यह जो है कथन दिया है या कहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसने कहा है कि अधिकार एवं कार्य आपस में जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर आएगा लास्की ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थन है? तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल दिया गया है 12 नंबर, कहता है उग्र राष्ट्रवाद जो है वो किसका समर्थन करता है, तो किसका समर्थन करता है, अहिंसा का समर्थन करता है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि धर्म के से जीवन के विभिन्न कार्यों में संगति आती है और इससे उसको दिशा प्राप्त होती है, धर्म निरपेक्षता के संबंध में यह कथन किस महापुरुष का है? तो इसका आंसर आएगा डॉक्टर राधाकृष्णन का, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि विकास संबंधी मॉडलों का प्रभाव निम्न में से सबसे ज्यादा किस पर पड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्यावरण एवं समाज पर पड़ा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई थी बच्चों? तो इसका आंसर होगा 1916 में, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष तक अपने पद पर जो है बने रहते हैं? तो कितने वर्ष तक जो है अपने पद पर बने रहते हैं? तो टोटल जो है 65 वर्ष तक, ठीक है, 65 वर्ष तक जो है बने रहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों त्रिस्तरीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला है, आधुनिक रूप में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर आएगा मैकियावेली ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव यह कथन है, तो यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका है यह हॉब्स का, ठीक है, हॉब्स ने जो है यह कथन दिया था कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 21 नंबर दिया गया कि निम्न में से किस पुस्तक का आधार न्याय को माना जाता है? तो इसका आंसर जाएगा रिपब्लिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों रिपब्लिक नामक पुस्तक का जो लेखक है ना, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम में आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर सवाल दिया गया कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता की सरकार है, किसने कहा? तो यह कहा था अब्राहम लिंकन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा।
अगला है कि भारतीय संविधान अद्र संघ्यात्मक है, किसने कहा था? तो ये कहा था के सी हुयर ने, ठीक है, के सी हुयर ने कहा था। ऑप्शन नंबर जो है डी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है? तो इसका आंसर आएगा कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? तो सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व होता है अवसर की समानता। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला है राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? तो बच्चों इसका आंसर होगा उच्च न्यायालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकतंत्र में, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों यहां पे देख सकते हैं दिया गया है कि वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, आप इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 550 सदस्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। और राज्यसभा में भी आप कितना होता है वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों यहां पे दिया गया है कि किस देश का संविधान अलिखित है? तो यहां पे कहता है ऐसा कौन सा देश है जिसमें कि संविधान जो है लिखा हुआ नहीं है, प्रिंटेड है? तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन में क्या है, संविधान जो है अलिखित है, इसमें यहां पे लिखा हुआ है। अगर यहां पे ये कहता है कि संविधान लिखित है तो दोस्तों इसका आंसर आएगा भारत, फ्रांस और यूएसए, ठीक है, यानी सब यहां पे सबसे लंबा जो है लिखित जो है तो वो भारत का है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पे ये पूछा है कि संविधान अलिखित है तो अलिखित का हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि किस वर्ष जो है क्रिप्स मिशन भारत आया? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 1942 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा संवैधानिक विचारों का अधिकार, सॉरी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद के द्वारा असप्रियता का अनुमूलन किया जाता है? तो बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इसका आंसर आप लोगों को याद रख लेना है, अनुच्छेद 17, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में चुनावों का संचालन कौन करता है? तो भारत में चुनावों का संचालन जो है चुनाव आयोग करता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम उम्र 21 से 18 किया गया है? तो इसका आंसर आएगा 61वें संशोधन, ठीक है, यानी कि 61वें जो है संशोधन में जो है मतदान का जो न्यूनतम आयु जो है 21 से जो है 18 कर दिया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों का मनोनय किया जाता है? तो मनोनय किया जाता है कितने लोगों का, तो 12 लोगों का, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से भी सवाल पूछा जाए कि राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों का मनोनय किया जाता है, तो आपको याद रखना है 12 सदस्यों का, ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों 36 नंबर दिया गया कि राज्यों में मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो करता है वो है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे 38 नंबर दिया गया कि नगर निगम का प्रधान कौन होता है? तो नगर निगम का जो प्रधान होता है वो होता है मेयर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, तो गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688 ईस्वी में, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों देख सकते हैं 40 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि सभी के लिए समान अवसर है, तो सभी के लिए समान अवसर क्या होता है? तो ये होता है बच्चों सभी समानता, सॉरी ये समानता का अर्थ होता है सभी के लिए समान अवसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि नागरिकता निर्धारण का कौन सा तरीका सही नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा पारिवारिक संबंध जो है ये सही नहीं है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर आएगा 24 अक्टूबर 1945 में, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों को बताया था कि पक्षधर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पक्षधर जो होगा वो हो जाएगा JS मिल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 44 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवाद के दोष हैं? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा संकुचित दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि विकास की अवधारणा
का सशक्तिकरण हुआ है। तो सशक्तिकरण कब हुआ था? 1950 से लेकर 60 के दशक में, ठीक है, 1950 से 60 के दशक में इसका जो है सशक्तिकरण हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया कि 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस पर तुलनात्मक दृष्टि पर ज्यादा जोर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर, ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि फ्रीडम फॉर फियर यानी कि भय से मुक्त नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग सान सू की, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 48 नंबर दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता घोषणा को कब स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर होगा 10 दिसंबर 1948 को, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 39 नंबर दिया गया है कि मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ओगोनी पियल यानी कि अगोनी लोगों के अस्तित्व के लिए आंदोलन 1990 नामक आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्तों उन्होंने चलाया था कैन सारो वीवा ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि भारतीय संविधान स्वीकृत हुआ था, तो भारतीय संविधान जो स्वीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है पॉलिटिकल साइंस के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बताया है जो कि आज के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसको आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा और बच्चे वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे भी इसी प्रकार का आप लोगों को इस चैनल के मदद से जो है आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।